ये घोर परिवारवादी, ये घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थन नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या ये घोर परिवारवादी? कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं, भारत बहुत आगे निकल गया है। और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 200 करोड़ वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको एक रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, शक्तिशाली भारत की ताकत है। लेकिन ये घोर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे? फिर से उनके महल में वापस भेजोगे? हर सीट पर पटकनी देनी है? देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए, करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए, करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता।